हाँ तो आ गए आप सभी लोग अर्निंग का तमाशा देखने। बाकी सभी वीडियो पे इतनी जल्दी तो क्लिक नहीं करते आप, लेकिन हाँ अर्निंग सबको जाननी है। बाकी चीजें तो न, 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 बाकी चीजें नहीं जाननी। आप तो ये बताओ कि आपकी यूट्यूब की अर्निंग कितना है, आप कमाते कितना हो। वैसे भी जब मैं किसी फ्रेंड से मिलता हूँ और उन्हें पता होता है कि हाँ मेरा एक यूट्यूब चैनल है और मैं यूट्यूब से अर्निंग भी कर रहा हूँ, तब वो मुझसे सब चीज़ तो फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते हैं, लेकिन एट द एंड उनका क्वेश्चन यही होता है, अच्छा बाकी सब तो ठीक है, तुम ये बताओ यूट्यूब से पर मंथ अर्निंग कितना कर लेते हो। भाई यूट्यूब पे अर्निंग फिक्स नहीं होती है, ऊपर नीचे होता रहता है, बढ़ता और घटता रहता है व्यूज के अनुसार से, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि मैं YouTube से आखिरकार अर्निंग कितना करता हूँ। अच्छा फिर भी एक मोटा मोटा आंकड़ा तो पता होगा कि कितना कमाते हो। नहीं भाई, हम दुबले पतले लोग हैं तो मोटा मोटा आंकड़ा तो हम नहीं बता सकते हैं कि आखिरकार YouTube से मैं कितना अर्न करता हूँ। अच्छा तुम वो सब छोड़ो, तुम सिर्फ ये बता दो कि पिछली बार तुम्हारे YouTube से पेमेंट कितनी आई थी। भाई पिछले मंथ की YouTube अर्निंग की मुझे कोई पता नहीं है, चूंकि वो पेमेंट तो माँ के अकाउंट में आई थी, इसीलिए मुझे उनका कुछ पता नहीं है। अच्छा फाइनली तुम वो सब छोड़ो, तुम सिर्फ एक ये बात बताओ कि कभी ना कभी किसी ना किसी मंथ का तो पता होगा तुम्हारा YouTube अर्निंग कितना आया होगा। क्या मैंने आपकी अर्निंग पूछी कि आप कितना कमाते हो? तो आप मेरी अर्निंग क्यों पूछ रहे हो यार? टैलेंट पूछो यार कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ यार, अर्निंग के पीछे पर ही है। सो फाइनली दोस्तों मैंने यह डिसीजन लिया कि मैं आप सभी को बता दूं कि यूट्यूब से अर्निंग कितनी होती है और मैं कितना अर्निंग करता हूं, क्योंकि जब भी कोई काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं तब मैं अब उनको बोल दूंगा कि इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप उसे जा करके देख लीजिए, उसमें आपको मैं सारा कुछ बता रखा हूं। इससे मेरे व्यूज भी बढ़ जाएंगे और उस व्यूज से अर्निंग भी बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको यहाँ पर अगस्त महीने की भी अर्निंग यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये मेरा अगस्त महीने का अर्निंग है। जैसे ही यहाँ पर दोस्तों हाँ, अर्निंग बताने से पहले मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आखिरकार ये यूट्यूब ने रूल कब लागू किया कि आप अपना अर्निंग शो नहीं कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, आप अपना अर्निंग दिखा नहीं सकते हैं? यार लोग खुद ही बनाते हैं रूल्स और खुद ही बिगाड़ते हैं। दोस्तों ऐसा यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस में कहीं नहीं लिखा गया है कि आप अपना यूट्यूब दिखा नहीं सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल आप अपना अर्निंग शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों यह YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस को पालन करता है, क्योंकि दोस्तों YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस को पालन करते हुए ही आपको काम करना है YouTube पर। तो फाइनली दोस्तों मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर अपने YouTube चैनल एनालिटिक खोल के आपको मैं वीडियोस का अर्निंग दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार जिस पर मिलियंस में व्यूज हैं उस पर अर्निंग कितनी हुई है, और दोस्तों कई ऐसे सारे वीडियोज़ हैं जिस पर लाखों में व्यूज हैं तो उस पर अर्निंग कितनी मिली है, जिससे दोस्तों आपको भी यह आइडिया पता चल जाएगा कि हाँ यूट्यूब की अर्निंग कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वीडियो मेरे चैनल का नंबर वन मोस्ट पॉपुलर व्यूज है, चूँकि दोस्तों इसी वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 1.6 मिलियंस टोटल व्यूज आए हैं, जिसके वजह से दोस्तों वाच टाइम 54,000 घंटा आया है और इसी वीडियो से सब्सक्राइबर्स 20,000 बढ़े हुए हैं, 20,000 टोटल 300 सब्सक्राइबर्स। दोस्तों इस वीडियो से मैं रेवेन्यू की बात करूं तो टोटल $801 यहां पर इस वीडियो से मेरे को मिले हैं। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि 1.6 मिलियन व्यूज पर टोटल $801 मिले हैं। अगर दोस्तों मैं $801 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं, जो कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि मैं यहां पर कॉपी करता हूं और दोस्तों यहां पर मैं गूगल पे ले जाकर के पेस्ट करता हूं इन इंडियन रुपीज़। यहाँ पर दोस्तों मैं डॉलर से जब इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया तब दोस्तों टोटल आते हैं $66,588। $801 का टोटल $66,588 बने हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सेकेंड मोस्ट व्यूज्ड वीडियो पे मेरे चैनल पे। तो ये वीडियो का मेरे चैनल पर सेकेंड मोस्ट पॉपुलर व्यूज्ड है, जिसपे दोस्तों व्यूज आए हैं टोटल 388,000, जिसके वजह से दोस्तों सब्सक्राइबर्स मिले हैं 2,500। इस वीडियो से दोस्तों यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो $244 यहाँ पर मिले हैं। चलिए मैं $244 को यहाँ पर मैं जब देखता हूँ $244 को, तब दोस्तों $244 में ₹20,260 यहाँ पर मिले हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और वीडियो का अर्निंग दिखाता हूँ जिसमें दोस्तों 1,00,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर बने रहें। तो दोस्तों इस वीडियो पे टोटल आए हैं व्यूज़ 1,25,000, लेकिन दोस्तों ये वीडियो पे 1,25,000 व्यूज़ तो आए हैं, लेकिन मेरा इस वीडियो को अपलोड करने के 4 महीना बाद चैनल मोनिटाइजेशन हुआ था, मतलब कि दोस्तों मेरा चैनल मोनिटाइजेशन हुआ था दिसंबर में और ये मैंने डाला हुआ है फरवरी अगस्त को ही वीडियो। तो आप मान सकते हैं कि
अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीना बाद अर्निंग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो उस टाइम तक यहाँ पर आप मान सकते हैं कि जब मेरा चैनल दिसंबर में मोनेटाइज हुआ तो आप मान सकते हैं कि 1,25,000 व्यू है, तो यहाँ पर 40,000 व्यूज के मुझे पैसे नहीं मिले थे, चूँकि चैनल मोनेटाइज होने के बाद ही पैसे मिलते हैं। तो आप मान सकते हैं कि अगर 40,000 निकाल देते हैं तो यहाँ पर 80-85,000 व्यूज के मिले हैं मेरे को पूरा $44, जो कि दोस्तों अगर $44 को आप यहाँ पर कन्वर्ट कीजिएगा इंडियन रुपीज में तो आते हैं 3,653 रुपया। तो दोस्तों ये एक वीडियो है जो कि दोस्तों चैनल मोनेटाइजेशन होने के बाद ही 1 महीना बाद ये वीडियो डाले थे और इस पे दोस्तों 1,00,000 व्यू होने वाले हैं। अभी फिलहाल 95,000 व्यू है और दोस्तों इसे मेरे को 367 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। इस पे दोस्तों टोटल अर्निंग हुई है $48। $48 का मतलब दोस्तों 4,000 के आसपास इस वीडियो से मेरे को अर्निंग हुई है। तो दोस्तों यही थे मेरे वीडियोज़ के हिसाब से अर्निंग का प्रूफ। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अर्निंग हमेशा एक स्थिर नहीं रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो RPM है, यहाँ पर मैं रेवेन्यू का सेक्शन पे जाता हूँ, तब दोस्तों इस वीडियो का जो है आप मेरे को देख सकते हैं कि RPM जो है वो $0.51 है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा है। RPM का मतलब होता है दोस्तों 1,000 व्यूज़ के आपको कितने मिल रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको यहाँ पर अगस्त महीने की भी अर्निंग यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये मेरा अगस्त महीने का अर्निंग है। जैसे ही यहाँ पर दोस्तों मैं अगस्त पे क्लिक करता हूँ 56K व्यूज़ आए, इससे मतलब कि दोस्तों 7.5 लाख व्यूज़ आए थे, जिसपे दोस्तों 30,000 का वॉच टाइम गया। और दोस्तों यहाँ पर अगस्त में मिले थे 7,000 न्यू सब्सक्राइबर्स, जिसके वजह से दोस्तों अर्निंग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $323 मेरे को मिले हैं। $323 का मतलब यहाँ पर दोस्तों जब मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ तब दोस्तों यहाँ पर सकते हैं कि अगस्त में 26,820 रुपए के करीब आए हैं। सो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में मैंने अपना YouTube चैनल का आपको एक एवरेज बता दिया है कि आखिरकार कितना अर्न होता है। और दोस्तों अगर आप लोग भी यहां पर दोस्तों अर्निंग दिखाने का सिर्फ यह मतलब नहीं था कि आपको सिर्फ यह दिखाना है, मतलब कि दोस्तों इससे आपको एक तरीके से अगर आप YouTube पर वर्क कर रहे हैं जिसके दोस्तों अगर आपका मोटिवेशन भी मिल सकता है कि हाँ YouTube पर अब और आप अच्छे से अगर कर रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल आप भी वीडियोस डालते रहें और दोस्तों कंटिन्यू करते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों YouTube पर यहाँ पर एक दिन में तो सफलता नहीं मिलता है, लेकिन हाँ दोस्तों अगर आप लोग करते रहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो से ही आपका दिशा और दशा दोनों बदल जाती है, आपका चैनल एक वीडियो से ही ग्रो हो सकता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग अभी अर्निंग पर फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने YouTube चैनल के वीडियोस बनाने और अपलोडिंग पे ध्यान दें। और फिलहाल दोस्तों जैसे जैसे अर्निंग आ रहा है वैसे वैसे मैं दोस्तों यहाँ पर सेटअप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। वैसे दोस्तों मैं अर्निंग को सेविंग बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, तो कुछ है नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लाइटिंग भी लगा रखा है और दोस्तों यहाँ पर मैं देख सकते हैं कि काउंटर भी मंगा लिया था, आप लोग को तो पता ही है 2 महीने पहले। तो दोस्तों मैं अपने धीरे धीरे जैसे ही अर्निंग होता है तो आप लोग भी अपने चेंजेस करने और इम्प्रूवमेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल करते रहें। कई सारे लोग क्या करते हैं कि अस्टक हो जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, आपको जैसे जैसे होता है वैसे वैसे चेंजिंग्स और इम्प्रूवमेंट करते जाने हैं, परिवर्तन लाने हैं। दोस्तों फाइनली आई होप आज के इस वीडियो से आप लोगों ने जाना कि आखिरकार यूट्यूब से अर्निंग कितनी होती है, कितने व्यूज पे कितने यहाँ पर एवरेज मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आपका अर्निंग बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, अप और डाउन बिल्कुल होते ही रहते हैं। सो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग भरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।